नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में बात करेंगे हम वैसे शेयर के बारे में जो आने वाले समय में आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। जो 20 वीडियो का सीरीज है, 20 शेयर हम आपको बताएंगे जो कि आने वाले समय में एक मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है, तो उसमें से ये हमारा तीसरा वीडियो है, द नेक्स्ट मल्टी बैगर रिटर्न वीडियो नंबर 3। तो दोस्तों, अगर आपने पिछले दो वीडियोज को नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, मल्टी बैगर सीरीज नाम का प्ले लिस्ट है, वहां से जाकर के उन दोनों वीडियो को देख लीजिए। यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट मल्टी बैगर रिटर्न फर्स्ट और फ्यूचर मल्टीबैगर शेयर सेकेंड वीडियो, तो जाकर के इन दोनों वीडियोस को देख लीजिए। हमारे चैनल पर आपके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे शेयर्स आते रहते हैं, मतलब शेयर से रिलेटेड वीडियोस हम डालते रहते हैं, जिसे देख करके आप इन शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या लेवल्स और टारगेट होनी चाहिए वो भी हम आपको बताते हैं, तो सारे लेवल्स और टारगेट पे भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम इसके फंडामेंटल्स को जानेंगे, फिर इसके टेक्निकल एनालिसिस को जानेंगे और कंपनी के वेबसाइट पर चलेंगे, कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट सेल करती है, क्या है कंपनी का बिजनेस मॉडल, तो इन सारी बातों को समझेंगे। तो सबसे पहले कंपनी के फंडामेंटल्स देख लीजिए। यहाँ से 5800 करोड़ का सेल्स था, देखिए लगातार यह बढ़ रहा है। तो यहाँ पर मतलब किसी क्वार्टर में थोड़ा सा कम हो गया, ज़्यादा हो गया, लेकिन ओवरऑल आप ईयर बाय ईयर कंपेयर करेंगे, मतलब एक साल बाद कितना सेल्स हुआ, तो वो हमेशा बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर जून क्वार्टर में काफ़ी डिक्रीज आपको दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर लॉकडाउन था, पूरी तरह से जो शॉप्स थे वो बंद थे, कुछ शॉप इनके मतलब जो इनके मॉल है वो खुले हुए थे, बाकी बात सारे के सारे मॉल बंद थे, तो काफ़ी ज़्यादा सेल्स प्रभावित हुआ, तो प्रॉफिट में काफ़ी गिरावट आया। यहाँ से देखते हैं मात्र 40 करोड़ का मतलब यहाँ पर प्रॉफिट हुआ कंपनी को, जबकि 323 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले साल जून क्वार्टर में, तो लगभग 88% का प्रॉफिट में गिरावट आया, जिसके कारण कंपनी के शेयर में भी काफ़ी करेक्शन आपको देखने मिलेगा। तो यह सेल्स हो गया, उसके बाद आप वैल्यूएशन होता है कंपनी का देख सकते हैं, 1,31,000 करोड़ का मार्केट कैप है, पी कंपनी का 123 का है, इंडस्ट्री के पी से काफ़ी महंगा है, यहाँ पर देखते हैं 67 इंडस्ट्री का पी है। डिविडेंड कंपनी नहीं देती है क्योंकि कंपनी ग्रोथ पर फोकस कर रही है, और अर्निंग पर शेयर 16 का है। उसके बाद यहाँ पर आप कॉर्पोरेट एक्शन में क्लिक कीजिए, कॉर्पोरेट एक्शन में जाकर के आप सारे कॉर्पोरेट एक्शन देखते हैं, बोर्ड मीटिंग कब कब बोर्ड मीटिंग हुआ है, डिविडेंड कंपनी ना तो कभी डिविडेंड दी है, ना तो कभी बोनस दी है, ना तो कभी कंपनी स्टॉक को स्प्लिट की है, तो मतलब कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन आपको देखने नहीं मिलेगा। उसके बाद आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, तो प्रमोटर्स के पास देख सकते हैं 75% स्टेक है, तो जो मैक्सिमम स्टेक हो सकता है प्रमोटर्स के पास उतना स्टेक है इस कंपनी में प्रमोटर्स का। उसके बाद FIs का 10.42%, DIs का 6.49% तो और अदर्स का 8.1%। तो यहाँ कंपनी के बैलेंस शीट पर आते हैं, कंपनी के पास रिजर्व देख लीजिए काफ़ी ज़्यादा है, 10,000 करोड़ का पिछले साल की तुलना में काफ़ी बढ़ा है कंपनी का रिजर्व, तो कंपनी के पास रिजर्व और सरप्लस जो है काफ़ी ज़्यादा है। और नीचे आइएगा तो जो कंपनी के पास डेप्ट है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग देखते हैं कंपनी के पास 178 करोड़ का है, यहाँ पर देखते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजन्स कुछ भी नहीं है, अदर लाइबिलिटीज मात्र 47 लाख है, और जो टैक्स लाइबिलिटीज है 48 करोड़ का है, तो कुल इतना कंपनी के पास डेप्ट है। उसके बाद नीचे चलते हैं तो कंपनी के पास जो एसर्ट है वो देख सकते हैं, कंपनी के पास जो टोटल नेट करेंट एसर्ट है, जो करेंट एसर्ट है सारे देख सकते हैं। उसके बाद जो डिफरेंट पैरामीटर्स है जैसे अर्निंग पर शेयर, तो अर्निंग पर शेयर यहाँ पर देख लेते हैं, तो जो 20 का फाइनेंशियल ईयर है 21.49 रुपीज़ अर्निंग पर शेयर है, जो कि पिछले साल से काफ़ी अधिक है, तो अर्निंग पर शेयर देख सकते हैं काफ़ी इंक्रीज हुआ है, यहाँ से देखते जाइए तो 2016 में मात्र 5.66 रुपया था, 5.66 रुपया वहाँ से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, तो अर्निंग पर शेयर काफ़ी इंक्रीज हुआ है, मतलब हर साल हर फाइनेंशियल ईयर में। उसके बाद यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी है 12%, जो कि पहले काफ़ी ज़्यादा था, इस साल काफ़ी मतलब कम हुआ है रिटर्न ऑन इक्विटी, इस साल का है कि लॉकडाउन का इफेक्ट रहा कंपनी के रिजल्ट पर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट देख सकते हैं 16% का है, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन है, पहले तो और भी बेहतरीन था। रिटर्न ऑन एसर्ट ये भी काफ़ी बेहतरीन है, तो मतलब सारे पैरामीटर्स काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि इस साल जो लॉकडाउन है उसके इफेक्ट के कारण हर चीज़ थोड़े थोड़े प्रभावित हुए हैं। उसके बाद डेप्ट इक्विटी रेशियो, तो डेप्ट इक्विटी रेशियो कितना है, मात्र 0.02
डेप्ट इक्विटी रेशियो मात्र 0.02 है, तो डेप्ट इक्विटी रेशियो काफी कम है। और भी यहाँ जो भी होता है आप डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स जैसे करेंट रेशियो देख सकते हैं काफी ज्यादा है, मतलब 3.18 हो चुका है 2020 में, जो कि पहले काफी अच्छा था, मतलब 1 और 2 के बीच रहे तो काफी अच्छा है। अगर ये करेंट एसर्ट बटे करेंट लाइबिलिटीज़ का रेशियो है तो करेंट एसर्ट लाइबिलिटी से 3 गुना हो गया, तो ये तो एसर्ट ज़्यादा है तो पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन ज़्यादा एसर्ट रखा रहे कंपनी यूज ना करे तो वो भी थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। लेकिन ये कंपनी लगातार अपने एक्सपेंशन पे ध्यान देती है तो करेंट एसेट जरूर यूज करेगा, अभी लॉकडाउन का इफेक्ट है इसलिए करेंट एसेट कंपनी के पास रखा हुआ है। ये कंपनी बेहतरीन है और अपने एसेट को यूज करने में काफ़ी ज़्यादा ध्यान देती है। अब चलते हैं हम कंपनी के वेबसाइट पर, तो ये है कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट जिसे हम डीमार्ट कहते हैं। ये अपना पहले अपना जमीन लेती है, मतलब अपना लैंड खरीदती है, उस पर फिर अपना स्टोर बनाती है। तो डीमार्ट कोटा देख सकते हैं, मतलब कई सारे, मतलब आपको सिटीज इंडिया के जो है वहाँ पर आपको ये मिल जाएंगे, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर में कोटा का है। और ये अपने मॉल में क्या क्या बेचती है तो देखते हैं, ग्रॉसरी, स्टेपल्स, डेली एसेंशियल्स आइटम, होम, पर्सनल केयर, डीमार्ट ब्रांड के ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखते हैं डेयरी, फ्रोजन फ्रूट्स, वेजिटेबल, बेड बैथ, लगेज, फुटवियर, ग्रॉसरी, टॉयज, गेम्स, प्लास्टिक कंटेनर। उसके बाद नीचे आ जाइए, होम अप्लायंसेस, एड्स, एप्पल, लेडीज गारमेंट्स। तो ये सारे के सारे ये मेन के क्लॉथ्स हैं। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो है डीमार्ट सेल करता है अपने मॉल में, ये अपने खुद के लैंड पर अपना खुद का मॉल बनाते हैं, जिससे काफ़ी इनको बेनिफिट होता है, इन्हें जो रेंटल कॉस्ट होता है उससे बचत होता है इस कंपनी का, जिसका वो अपने कस्टमर पर काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट देते हैं। तो ये बेनिफिट्स है इस कंपनी के साथ। स्टॉक मार्केट के एक सक्सेसफुल पीपल द्वारा ये कंपनी की शुरुआत की गई और वो कंपनी को भी बनाने में काफ़ी सक्सेसफुल हासिल किए हैं। तो अब हम इसके बात करेंगे लेवल्स और टारगेट का, किस प्राइस पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए और किस प्राइस पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए लॉन्ग टर्म। तो दोस्तों हम आ चुके हैं जीरोधा के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर, ये एक बेहतरीन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। अगर अभी तक आपने जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया है तो समझिए आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको पर ट्रेड इंट्राडे में मैक्सिमम 20 रुपया चार्ज लगता है और डिलीवरी पर कोई चार्ज नहीं लगता, साथ साथ इसके कई सारे बेहतरीन फीचर है जो आपको हम आने वाले वीडियो में बताएंगे। तो एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आप जीरोधा के सारे फीचर्स के बारे में हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट, मतलब डीमार्ट का ये हमने चार्ट लगाया है। यहाँ पर कंपनी का जो रिजल्ट है Q1 मतलब जून क्वार्टर काफ़ी ख़राब आया, जिसके कारण कंपनी के शेयर प्राइस में देखते हैं जो यहाँ पर 25 रुपया मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड कर रहा था वहाँ से काफ़ी इसमें गिरावट आया और अब ये ट्रेड कर रहा है 2000 के लेवल पर। देखते हैं उस 2000 के लेवल को ये भी ब्रेक कर चुका था, देखते हैं 1964 रुपये के प्राइस तक ये आ चुका था। तो यहाँ पर अगर जो है अगले क्वार्टर के रिजल्ट भी प्रभावित होते हैं, निश्चित है कंपनी के शेयर प्राइस में काफ़ी गिरावट आपको देखने मिल सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए जैसे गिरावट आया तो वॉल्यूम काफ़ी इसमें बढ़ चुका है और यहाँ पर जो कंपनी में गिरावट आया तो यहाँ पर देखते हैं ये ओवर सोल्ड होने का सिग्नल दिया, मतलब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हुआ। फिर से ये स्ट्रेंथ दिखाया, देखते हैं RSI में काफ़ी स्ट्रेंथ आया, मतलब यहाँ पर फिर से कंपनी का जो प्राइस है, मतलब शेयर का प्राइस वो काफ़ी ऊपर जाने लगा, तो फिर से इसमें आज काफ़ी गिरावट आई है। तो अभी जो ट्रेंड है वो मार्केट में अगर गिरावट आती है, मतलब हमारे स्टॉक मार्केट में अगर करेक्शन आती है तो निश्चित है ये जो स्टॉक है आपको वो 1900-1800 के लेवल के प्राइस पे भी आपको मिल सकता है। तो ये डीमार्ट का जो शॉर्ट टर्म का नीचे का सपोर्ट लेवल है वो सपोर्ट लेवल बनता है पहला 2000, उसके बाद जो नीचे का सपोर्ट लेवल इसमें बनेगा वह है हमारा 1900। द 1900 के लेवल को जल्दी ये ब्रेक नहीं करेगा, तो पहला जो सपोर्ट है वो 2000 लेवल है। अगर आप इसमें पूरी तरह से इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो 2000 के प्राइस पर आपको SIP स्टार्ट कर देनी चाहिए। 2000 के लेवल पर कुछ बाय करेंगे, फिर नीचे के प्राइस पर आता है 1900 वहाँ पर बाय करेंगे। अगर उससे नीचे मिल जाता है, जबकि हम लॉकडाउन में इसमें गिरावट आया था तो 1800
के नीचे, तो वहाँ पर आप जितना चाहे क्वांटिटी इसमें उठा सकते हैं। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि धीरे धीरे इसमें क्वांटिटी आप उठाएंगे। और ऊपर की टारगेट की बात करें तो आप देख सकते हैं 2500 मैक्सिमम इसका प्राइस है, 2500 इसका इस साल का जो है मैक्सिमम प्राइस है। तो वहाँ तक तो ये इजिली जा सकता है, सिर्फ सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, कंपनी एक बार बेहतर रिजल्ट पेश करेगी तो उसके बाद कंपनी के प्राइस में काफ़ी मोमेंटम आपको देखने मिल सकती है। और RSI की बात करें तो अभी RSI मात्र है 33, तो समझते हैं मात्र 33 है, जो कि ओवरबाउट से थोड़ा सा ऊपर है। मतलब ओवरबाउट होने से ये कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ा सा वापस आया था ओवरबाउट होने के बाद। तो अभी कंपनी में एकदम बाय का सिग्नल है कि आप कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कंपनी का शेयर को बाय कर सकते हैं। तो ये सिग्नल है RSI का ही, RSI काफ़ी वीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा सेलिंग है। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए हैं तो आप बाय कीजिए, जो पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं तो उन्हें थोड़ा सा वेट करना चाहिए क्योंकि RSI में फिर से वीकनेस आ रहा है। तो वो RSI का जैसे यहाँ पर स्ट्रेंथ आता है तो RSI तो वहाँ पर आपको बाय करना है, जैसे यहाँ RSI वीकनेस दिखाता है तो वहाँ पर आपको सेल करना होता है। तो ये होता है पोजिशनल ट्रेडिंग। उसके बाद लॉन्ग टर्म चार्ट की बात करते हैं कि कंपनी ने कैसा रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे। तो दोस्तों ये देखते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट, यहाँ पर हम मैक्सिमम मतलब जो ईयर्स है इसके लिस्टिंग इसका हुआ था 2017 में, तो वहाँ से देखते हैं काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दी है कंपनी ने। अभी भी कंपनी जो लिस्ट हुआ है वहाँ से 229% का रिटर्न दे रही है। अगर बात करें इस गिरावट से पहले का, कंपनी 300% का रिटर्न दे रहा था अपने इन्वेस्टर को जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है। अब जो IPO में लिए होंगे तो उसे तो ये कंपनी 700% का रिटर्न दे रही है, जो IPO में बाय किए थे इस कंपनी को 700% का रिटर्न दे रही है कंपनी उस शेयर होल्डर को जिन्होंने IPO में इन्वेस्ट किया था। तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, लॉन्ग टर्म का चार्ट देखिएगा कितना बेहतरीन है। तो लॉन्ग टर्म के लिए आँख बंद करके आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं जब भी करेक्शन वाले प्राइस पर मिलता है, तो अभी मिल रहा है आपको। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा कि आप नेक्स्ट मल्टीबैगर स्टॉक्स को कैसे ढूंढेंगे, कौन से स्टॉक्स आपको नेक्स्ट मल्टीबैगर बनते हुए देखने मिल सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा।